हेलो दोस्तों तो स्वागत है आप सभी का स्टडी किचन में फ्रेंड्स मैं यहाँ पर यू पी बी एड काउंसिलिंग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लाया हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के मन में यही चल रहा है कि हमारा कॉलेज अलर्ट नहीं हो पाया है तो हमारा काउंसलिंग फीस जो है कब से वापस होगा कब तक वापस होगा ये सारे लोगों के दिमाग में डाउट चल रहा है दूसरा डाउट ये है कि किस किसका फीस वापस होगा किसका नहीं होगा ये भी डाउट चल रहा है और तीसरा आपका यो है कि कॉलेज अलाउट नहीं हुआ तो अब क्या करें क्या करना चाहिए तो ये जितने भी आपके डाउट्स हैं मैं सारा क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को तो देखिए आपका जो है कि पहला आपका देख रहे हैं कि काउंसलिंग फ़ीस कब तक वापस होगा तो मैं ये बता दूँ आपको कि पिछली बार जो था आपका वो आपका काउंसलिंग हो शुरू होने से के बाद यानी शुरू होने के बाद आपका चार महीने लगभग चार महीने लिया था वापस करने में चार से पाँच महीने तो आपका मान के चलिए कि इस बार आपका जनवरी तक जाकर के आपका ये काउंसलिंग फीस वापस हो सकता है और किसका होगा किसका नहीं होगा ये भी देख लेते हैं तो किसका वापस होगा तो सबसे पहले ये जान लेते हैं तो उनका ये फीस वापस किया जाएगा जिनका कॉलेज कोई भी अलॉट नहीं हुआ है यानी आपने जो भी कॉलेज मतलब उसमें आ, सेलेक्ट किए थे उसमें से कोई कॉलेज आपको यदि नहीं मिला है तब भी जाकर आपका आपका ये पैसा वापस होगा अन्यथा आपका यदि कोई कॉलेज मिल गया है और आप उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आपका पैसा वापस नहीं होगा तो ये लोग ध्यान रखें इनका फ़ीस वापस नहीं किया जाएगा क्योंकि इनका कॉलेज अलॉट हो चुका है लेकिन आपका को, को, कोई भी कॉलेज या प्राइवेट या सरकारी आपका जो भी है अलॉट नहीं हुआ है तो आपको पैसा वापस कर दिया जाएगा ये फुल गारंटी है ओके लेकिन और ये भी है कि आपका जनवरी तक हो सकता है और तीसरा है आपका जो कि कि कॉलेज अलर्ट नहीं हुआ तो आप क्या करें तो दोस्तों मैं पहले बता दूँगा आपको कि कॉलेज आपका अलर्ट नहीं हो पाया है तो अभी पोल आ, पोल काउंसलिंग चलने वाली है तो आप उसमें भी करा सकते हैं आप लोग यदि आपका नहीं हुआ है तो ओके उसमें जाइएगा उसमें रजिस्ट्रेशन चालू होगा आपका 22 अक्टूबर से 25 अक्टूबर लगभग नियर अबाउट चलेगा तो उसमें आप लोग करा सकते हैं डायरेक्ट जा कर के या फिर आप किसी कॉलेज से कॉन्टैक्ट करके आप लोग प्राइवेट में करा सकते हैं तो वैसे तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग प्राइवेट में ही करा लीजिए क्योंकि यदि आप लोग सोचते हैं कि आप लोग सरकारी में कराएंगे यदि आपको पढ़ाई अच्छी से करनी है तो सरकारी में करा सकते हैं बट आप प्राइवेट में भी करा के अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं और आपको सुविधा होगी क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज आपको आपके घर के आसपास मिल सकते हैं बट आपको सरकारी कॉलेज आसपास नहीं होते हैं तो आपको तकलीफ़ होती है यहाँ पर जाने आने रहने में और मैं बता दूं नियर अबाउट आपका वही पैसा सरकारी में भी लग जाएगा यदि आपका घर से कुछ दूरी पे यानी कुछ दूर जाए और आपको वहाँ पे आप सारा क्या बोलते हैं ये रहने की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था करने में आपका उतना पैसा लग ही जाता है ये मान के चलिए बट यही होता है कि उसमें थोड़ा आपका आपका जो है पैसा यानी क्या बोलते हैं वजीफा आने का आपका चांस ज़्यादा रहता है तो चलिए और भी कोई वीडियो डाउट या फिर आपके दिमाग में चल रहा होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा या फिर आप लोग बता दीजिएगा कि इस पर भी वीडियो बनाइए तो मैं इस पर वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर जय हिंद जय भारत और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आइकन पर जरूर दबा दीजिएगा ताकि सारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे थैंक यू